पहले आप बताइए। चलिए ये क्या है? मकई आटा। मकई आटा क्या क्वांटिटी में लेंगे बताइए? पाव किलो का होएगा। आपको बता दें यहाँ पे ये पाव किलो, अब आपने मकई का आटा लिया है सर, मैदा लगेगा सर। मैदा पाव किलो, मैदा पाव किलो, मकई का आटा पाव किलो, मैदा। और मैं आपको बता दूँ, इन्होंने ये देखिए सभी ने हाइजीन स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, एवरीवन वेयरिंग देयर कैप, बट मिक्सिंग के लिए ग्लव्स इस्तेमाल नहीं कर पाते बिकॉज मिक्सिंग के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट दे ऑल क्लीन अप टू डेट, वॉश वॉश करके हाथ एकदम। अब मिक्सिंग कर रहे हैं, सॉल्ट डाल रहे हैं, कितना डालना है तकरीबन स्वाद अनुसार आप डाल दीजिए, दो चुटकी या तो फिर आप देखिए जैसे एज पर योर टेस्ट आप नमक डालें। हाँ, उसके बाद जीरा पाउडर डालने का, ये एक टीस्पून, वन एंड हाफ टीस्पून जीरा पाउडर डाला है। और ये क्या है? ये अजवाइन। अजवाइन, अच्छा ये देखिए अजवाइन भी डाल रहे हैं, क्या बात है, ये हमें पता चला आटे में अजवाइन डालना है। हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर है। एंड देन वी हैव द रेड चिल्ली पाउडर डालिए। वाओ फैंटास्टिक। इसे मिक्स करना है और पानी कितना डालना होगा? पानी अभी इसके हिसाब से लगेगा जी। मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट है एंड दे आर मेकिंग नाचोस फॉर अस, टोटीला भी बोलते हैं ना इसे, मिक्सिंग डिश है इसके अंदर, वो टोटीला नाचो वो एक ही है, टोटीला और नाचो एक है, जैसे राम और श्याम एक थे वैसे ही सीता और गीता एक थी, वैसे ही टोटीला और ये नाचो भी एक ही है। हाँ, गब्बर सिंह का फेवरेट डिश है ना ये नाचो, हेमा मालिनी का बार बार बोलते रहते हैं शोले फिल्म में, नाचो नाचो। एनीवेज वी हैव नाचोस, ओके। सो यहाँ पे ये पानी ऐसा मिक्स करके ये आटा बन जाएगा, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल डाला है इन्होंने थोड़ा सा, हल्का सा ऑलिव ऑयल डालना है सॉफ्टनेस मेंटेन करने के लिए। और ये आटा गूंद लिया है इन्होंने, और आटा जो है नाचोस के लिए वो इन्होंने गूंद लिया है, और अब इसे रोटियों की तरह बेलना होगा, राइट? या सर। हाँ, इस पर डस्टिंग के लिए आप मेथे के आटे पे आप डस्टिंग करेंगे, कलर अच्छा आ गया आटे का। ये आटा कम से कम एक घंटा रखने के बाद बेला जाता है। अच्छा, सो आप जब ये आटा बनाते हैं उसे एक घंटा आप रखें, उसके बाद फिर आप बेलें, ओके? सो यहाँ पे आप ये देखिए, इन्होंने इसे रोटी की तरह बेल दिया, एक घंटा आटा आपको रखना होता है, उसके बाद आप सॉफ्ट हो जाएगा, फिर आप इसे बेलें। अभी इस पर थोड़ा कंघी मारेंगे। ये कंघी? अबे ये इससे तो बाल बनाते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, ये किचन की कंघी है, ओके? कोई इससे बाल नहीं बनाते, बट ये नया रहस्य है कंघी वाला। ये लीजिए, आटे के बाल बनाइए। नहीं, जोक से, बट क्या करना होता है? अच्छा, क्यों कर रहे हैं सर शेफ? ऐसा फूगेगा नहीं, ये फूगेगा नहीं, तो एकदम रहस्य खुल गया है भाई, ताकि ये फूगे नहीं ऐसे, ये आपको मारना होता। और फिर ये अब आप लेके इसे तेल डाला है कुछ नहीं, सीधा सेकना है, थोड़ा सेकने का बाद में फ्राई करें। अब आप ये देखिए क्या बात है, ये अब आपने 3 से 4 मिनट इसे सेकना है, सेकने के बाद क्या करेंगे देखते हैं हम। श्योर घर पे जितने भी बच्चे हैं या फिर आप पार्टीज में अगर ये बनाएंगे सभी लोग खुश हो जाएंगे। गाइज, वी नीड अ थम्स अप फॉर दिस यार, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस रेसिपी एज मच एज यू कैन। और ये अब आपने सेकने के बाद ऐसे काटना है इसे, कितने पीस हो गए ये टोटल? 2, 3, 4, 8 पीसेस हो गए। और इसे अब आप डीप फ्राई करेंगे, आइए चलिए डीप फ्राई करने वाले हैं इसे। सो बिफोर यू फ्राई, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो आप तेल गरम करेंगे लो लो फ्लेम पे करना होता है,
बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ओके। एंड यहाँ पे चलो नाचो, मतलब नाचो, ये फ्राई करेंगे। लुक एट दैट, क्या बात है। तो जैसे ये पापड़ तलते वैसे ही आपको तलना है। अच्छा, निकाल भी लिया शेफ दिनेश हमें यहाँ पे नाचोज की रेसिपी बता दी। इनफैक्ट पूरा आटा उन्होंने गूंद के बताया है, तो ये आप घर पे भी बना सकते हैं। घर पे बच्चे खुश, बूढ़े खुश, बुज़ुर्ग जो भी है जो बाहर स्पेशली मेक्सिकन नाचोज ट्राई करने जाते हैं। थैंक्स टू गोविंदा स्ट्रीट, दिस इज़ अ न्यूली ओपन्ड मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट। यहाँ पे किचन बहुत ही इनका अच्छा है, हाइजीन स्टैंडर्ड्स उन्होंने मेंटेन किया है। न्यूली ओपन्ड रेस्टोरेंट है, 4 बंगलोज महाड़ा में। एंड अगर आप चाहें तो ऑर्डर भी कर सकते हैं, घर पे ये फूड डिलीवर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर है, एड्रेस है, लोकेशन है। सो इफ़ यू कमिंग टू मुंबई, 4 बंगलोज महाड़ा, मोस्ट वेलकम। या तो फिर आप घर पे ट्राई करिए, ये रेसिपी शेफ दिनेश शेयर कर रहे हैं। वी हैव द नाचोज रेडी हियर। ओके, सो यहाँ पे हमारा नाचोस तो रेडी हो ही गया है। एंड उसके ऊपर अब आप चीज़ सॉस डालने वाले हैं। जी, चीज़ सॉस डालेगा। ओके, चीज़ सॉस आपको मार्केट में कहीं भी में मिल जाएगा, ओके, इट्स इजीली अवेलेबल। वरना तो अगर चीज़ सॉस किसी को बनाना है तो चीज़ है इसमें, दूध है, और क्या क्या डालना है? बटर है, बटर डालना है, थोड़ा शुगर है, और हल्का सा शुगर डाल के उसे मिक्स करना है, और ये ऐसे सॉस आपका बन जाता था। और चीज़ कौन सा लेते हैं आप इसमें? अमूल चीज। ओके, सो अमूल चीज़ में, अमूल चीज़ है, दूध है, और उसमें फिर आपने हल्का सा बटर डाला है और शुगर डाला है, एंड देन योर चीज़ सॉस इज़ रेडी इफ़ यू वांट टू मेक इट एट प्लेस। ऐसे तो चीज़ सॉस सब जगह मिल जाता है। और ये अब आप नाचोज में, गरम गरम नाचोज हैं, इस पर आप डालने वाला है। सो दिस इज़ द वे टू स्प्रेड इट आउट। वाओ, लुक एट दैट, मिल्की क्रीमी मैक्सिकन नाचोज, टॉर्टिला बोल लीजिए। और ये अब रेडी हो गया है। क्या बात है, क्या बात है, फैंटास्टिक। और कुछ गार्निशिंग करने वाले हैं ऊपर? थोड़ा सा रेड येलो ग्रीन शिमला। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शिमला मिर्च है, एंड ऑलिव, ब्लैक ऑलिव। चलिए गार्निशिंग करेंगे। ऑल योर, जितने भी मेहमान हैं आपके घर के, बड़े खुश हो जाएंगे जब आप होममेड नाचोज या टॉर्टिला उन्हें सर्व करेंगे। एंड ये क्या बात है, एंड द किचन्स बीन बिजी सो वी कुडंट गो इन डेप्थ विद द सॉस, बट यस, आप अब सॉस नहीं करेंगे जब आप खाएंगे ये नाचो, गब्बर सिंह फेवरेट नाचो, मेरा भी फेवरेट है। तो चलिए मैं ये सैम्पल करने वाला हूँ और आपको बताऊँगा इसका स्वाद कैसा। बट बिफोर दैट, थैंक यू सो मच शेफ, आपने आटा गूंदा और बहुत शर्मीले हैं, एकदम शर्मा रहे हैं। लुक एट इट, एकदम शर्मा गए। ओके, सो ऐसे ही अब आप देखते रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर पेज, एंड स्टे देयर, आई विल बी सैम्पलिंग दीज। ओके, सो मैक्सिकन डिश, एंड हमने आपको बता दिया कि इसका आटा कैसे बनता है, नाचोस कैसे बनता है, फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया, एंड मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है। चलिए आइए बाइट लेंगे, कितना क्रिस्पी क्रंची, और इज इट लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशन, देखते हैं। वाओ,